अपना अभ्यास पूरा करना। अब ये दो सौ बार किया, फिर बीच में थक गए तो क्या किया, भस्त्रिका कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लिया, मोटापा कर वाले अभ्यास करते कर। और ये इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस में तो थकते ही नहीं, एक अभ्यास करते करते थक गए तो दूसरा कर लो, दूसरा करते करते थक गए तीसरा कर लो। कार्यांतर ही विश्राम। आराम हराम है, बात छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी है। अपना अभ्यास सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, बद्ध पद्मासन, बोल बाबा ये योगा तो हमसे ना होगा। अरे ये नहीं होगा तो मंडूकासन योग मुद्रासन तो होगा, योग मुद्रासन भी नहीं होगा तो सुखासन में ही भी आगे झुक जाओ और 10 मिनट तक करो। आज मैं आपको कुछ बहुत गहरी बातें 8-10 गहरी बातें बताना चाह रहा हूं। एक तो योगासन प्राणायाम ध्यान उसी समय एक्यूप्रेशर भी। अब जैसे थायराइड की दिक्कत है तो कपालभाति हो रहा है, एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। किडनी की दिक्कत है तो एक्यूप्रेशर भी हो रहा है और कपालभाति भी हो रहा है। 5 मिनट इधर 5 मिनट इधर एक एक जगह 5-5 मिनट दबाना। पैर में भी ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो यहां से ऐसे दबाते दबाते करना। योगिक व्यायाम, योगिक आसन, प्राणायाम, ध्यान, एक्यूप्रेशर, यज्ञ, संकल्प साधना, संकल्प सिद्धि एक साथ। एक काम करना होता है तो कम से कम 10 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लोग कहते हैं काम करने से कामयाबी मिलती है, कुछ कहती थी हमको तो नहीं मिली। बावड़े तूने मात्र यांत्रिक तौर पर काम किया, मशीन की तरह काम किया। आप जड़ तत्व नहीं हो, आप एक चैतन्य हो। काम को विवेक पूर्वक करो, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। उसको भक्ति पूर्वक करो, श्रद्धा पूर्वक, समर्पण पूर्वक, विश्वास पूर्वक करो, इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो करना तो है योग, अब योग कैसे कैसे करना है, ज्ञान पूर्वक करना, विवेक पूर्वक करना, विचार पूर्वक करना, भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक करना, योग प्रचंड पुरुषार्थ के साथ करना, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ, एकाग्रता निरंतरता दिव्यता के साथ करना, दैवी संपद में प्रतिष्ठित होकर के करना। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिते हितानं तमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम्। अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेषु लोलुप्तं मार्गं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहणातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, इससे दूर रहना। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरिम्। दैवी संपद विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मांसु च संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। तो देखो करना तो है लेकिन कैसे करना है, अभी बात सिखा रहा हूं, सीख लो। यही गुरु का ज्ञान होता है, गुरु उपदेश होता है, यही तत्व ज्ञान है।
यही अपरापरा विद्याओं का बोध है। ज्ञान पूर्वक करो, भक्ति पूर्वक करो, पुरुषार्थ पूर्वक करो, योग यज्ञ पूर्वक करो। योग में आस व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ।